الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم. اسلامی تاریخ کے اعتبار سے ایک سال ذوالحج کے مہینے میں مکمل ہو جاتا ہے، اور گزشتہ مہینہ ذوالحج کا تھا، اس کے اختتام پر ایک سال مکمل. ہمارے کیلنڈر کی عمر جو ہے وہ 1442 برس کی ہو گئی، کیونکہ آج سے 1442 سال پہلے، یہ تاریخ کا سلسلہ مرتب ہوا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہما اور ان جیسے چند گورنروں نے خط لکھا کہ آپ کے فرامین ہمارے ہاں پہنچتے ہیں لیکن اس پر تاریخ نہیں ہوتی، اور یہ بادشاہوں کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے احکامات پر تاریخ ڈالتے ہیں کہ یہ کس تاریخ کو جاری ہوا ہے. اس لیے تاریخ کے ساتھ احکام جاری ہوں تو بہتر ہے. تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ خاص احباب کو جمع کیا، صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ بھائی یہ تاریخ ڈالنے کے لیے پہلے تاریخ مقرر ہو جانی چاہیے. جب اسلام کی ہر چیز اپنی ہے اور اسلام کسی بھی معاملے میں دوسرے کا محتاج نہیں ہے کہ کسی دوسرے دین سے یا کسی دوسری تہذیب سے یا کسی دوسرے سے کچھ لے، کیونکہ یہ ایک مستقل دین ہے اور یہ مکمل کلچر ہے، اس لیے اس کی ہر چیز اپنی ہے. تو تاریخ بھی ہمیں اپنی مرتب کرنی ہوگی اور اپنا کیلنڈر چلانا. تو مختلف رائے آئیں، مختلف مشورے آئے کہ نبوت کے سال سے شروع کیا جائے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے سال سے شروع کیا جائے. اس پر خلجان ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے ہم تاریخ شروع کریں گے تو یہ میلادی کیلنڈر ہو جائے گا، میلادی تو پہلے سے ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے ایک کیلنڈر چل رہا ہے جس کو ہم عیسوی کیلنڈر کہتے ہیں. یہ عیسوی جنتری جو ہے وہ میلادی کہلاتی ہے، عرب لوگ اس کو میلادی ہی کہتے ہیں. میلادی کا مطلب تاریخ پیدائش سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش سے وہ چل رہا ہے. جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے اس وقت تک
571 बरस गुजर गए थे। और उससे पहले की जो तारीख होती है उसे मौर्रिखीन कबल मसीह कहकर उल्टा लिखते हैं, यानी हज़रत ईसा से पैदाइश से पहले के एक साल को, एक साल कबल मसीह, दो साल कबल मसीह, 50 साल कबल मसीह, ऐसे पीछे ले जाते हैं कैलेंडर, जहाँ तक मालूमात हैं और जहाँ तक तारीख पहुँच सके ऐसे पहुँचाया। तो एक कबल मसीह है जो हज़रत मसीह की विलादत पे ख़त्म होता है, दूसरा कैलेंडर वो है जो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, उन्हीं का लक़ब मसीह है, तो उनको मसीह भी कहते हैं, क़ुरान ने मसीह इब्न मरियम उनको कहा, तो मसीह भी है ईसा, एक ही बात है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का एक मरहला है तारीख़ का, उसको कबल मसीह कहते हैं। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से एक मरहला है उसको मीलादी तारीख या ईसवी तारीख कहते हैं। वो हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत तक 571 बरस हो गए थे हज़रत ईसा की पैदाइश को, तब आपकी विलादत हुई, आप पैदा हुए, फिर उसके बाद 40 बरस के हुए तो हुजूर अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली। बाज़ उलमा फरमाते हैं ठीक 40 बरस की उम्र में आपको नबूवत दी गई, पहली वही आपको पहुंची। तो इस एतबार से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली रबीउल अव्वल की 8 तारीख। अब आपकी उम्र ठीक 40 बरस की, और बाज़ हज़रात फरमाते हैं कि नहीं, 40 बरस 6 महीने की उम्र में आपको नबूवत मिली और 17 रमज़ानुल मुबारक को पहली वही आपके ऊपर नाज़िल हुई, और वही ज़्यादा राजह बात है। 6 महीने पहले से आपको रुया सालेहा यानी अच्छे अच्छे ख्वाब दिखने लगे थे। बहुत से लोग ख्वाब देखना कहते हैं, बहुत से लोग ख्वाब गिरना कहते हैं, जो भी कहें आप, अच्छे अच्छे ख्वाब हुजूर अलैहिस्सलाम को नज़र आते थे। जो ख्वाब देखते थे वो बेदारी में इस तरह जाहिर हो जाता था जैसे सुबह की रोशनी सूरज निकलते ही दुनिया रोशन हो जाती, ऐसे ही बिल्कुल क्लियर और रोशन हो जाता था वो ख्वाब आपका। इसको रुया सालिहा या रुया सादिका कहते हैं। ये 6 महीने पहले से 8 रबीउल अव्वल से इसका सिलसिला शुरू हुआ और 17 रमज़ान तक ख्वाब चलते रहे हुजूर अलैहिस्सलाम, ताकि मुनासबत हो जाए गैब से आने वाले इल्म के साथ। फिर 17 रमज़ान को हुजूर अलैहिस्सलाम को पहली वही सूरह अलक की 5 आयतें हज़रत जिब्राइल गार हिरा में लाकर पहुंचाई। ये कुरान की पहली किस्त है ये। और फिर इसके 6 महीने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम पर मुसलसल वही का सिलसिला शुरू, सूरह मुद्दसिर नाजिल हुई उसकी 5 आयतें, और फिर उसके बाद से मुसलसल वफात तक इसका सिलसिला चलता रहा। तो एक हुजूर अलैहिस्सलाम की तारीख बन सकती है इस्लाम में आपकी मीलाद से, मीलाद कहते हैं यौमुल विलादत, पैदाइश के दिन, तो आपकी मीलाद से एक तारीख बन सकती थी, बास का ये मशवरा था, लेकिन हज़रत उमर ने मुशाबहत की वजह से उसको पसंद नहीं किया। फिर एक मशवरा था नबूवत की तारीख से इसका आगाज़ किया जाए, तो इसको भी आपने किसी वजह से कबूल नहीं किया। फिर एक राय आई कि हिजरत की तारीख को पहली तारीख बनाई, पहला साल हमारा बनाया जाए, नबी की हिजरत जिस साल हुई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इसको सब ने कबूल किया, इस पर इत्तेफाक, क्योंकि हिजरत इस्लाम की तारीख में
इस्लामिक हिस्ट्री में अज़ीमुश्शान वाक़िया है। इसी के बाद अल्लाह तबारक व तआला शानहू ने मुकाबलों का सिलसिला शुरू करवाया और फिर उन मुकाबलों के चलते 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 मक्के मुकर्रमा फतह हुआ। अब फतह मक्का के बाद इस्लाम सरबलंद हर तरफ हो गया। फिर किसी की मजाल नहीं थी कि इस्लाम के बारे में कुछ गलत सोचे। सबकी हिम्मतें टूट गई और सब बेबस हो गए। यहाँ तक कि हिरक्ल ने, जो उस वक्त के सबसे बड़े सुपर एम्पायर रोम का बादशाह था, जिसको कैसर कहा जाता था, उसने हुजूर अलैहिस्सलाम की ख़बर सुनने के बाद ये कहा कि अगर ये बात सही है कि वो ज़ाहिर हो गए हैं तो देर नहीं लगेगी कि मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ ये भी उनके इख्तदार में चला जाए। तो फिर मुशरिकीन मक्का बहुत परेशान हुए कि साहब इतनी दूर इतने फासले पर मुल्क शाम में सीरिया में बैठकर एक ईसाई बादशाह कह रहा है ये भी चला जाएगा, उन्हीं को सब उन्हीं को चला जाएगा, हमें कुछ नहीं बचेगा। तब आंखें खुली मक्के वालों की कि क्या मकाम है नबुव्वत का और नबी किस मर्तबे पर है और कैसे अल्लाह की नुसरत आती है और क्यों कर अल्लाह ताला उसको तरक्की देते चले जाते हैं। हज़ार मुखालफत की गई कि इस्लाम ना बढ़े मगर बढ़ता ही चला गया। फिर वो वक्त आया कि सन 7 हिजरी में हुजूर अलैहिस्सलाम ने तकरीबन उस वक्त के बादशाहों को खतूत लिखकर इस्लाम की दावत और फरमाया मुसलमान हो जाओ, तुम्हारी आफियत इसी में है, इस दुनिया की कामयाबी भी इसी में है और आखिरत की भी इसी में है। जिन्हें अल्लाह ने तौफीक दी उन्हें समझ में आया, जिन्हें अल्लाह ताला ने तौफीक दी उन्होंने सिर्फ बात मान ली मगर मुसलमान नहीं हुए। और ईरान के बादशाह ने तो बात भी नहीं मानी और हुजूर अलैहिस्सलाम के लेटर को फाड़ कर टुकड़े करके फेंक दिया। आहदरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इत्तला मिली तो आपने फरमाया कि जिस तरह उसने मेरी दावत के टुकड़े किए हैं अल्लाह उसकी हुकूमत के टुकड़े कर दे। और वो फतेह होकर मुसलमानों के कदमों में आ जाए। चुनांचे फिर फारिस, उस ज़माने में फारिस कहते थे, अब ईरान कहते हैं, अब फारिस एक शहर हो गया और ईरान उस मुल्क कंट्री का नाम, उस ज़माने में कंट्री का नाम फारिस था। वो जितने एरिए के लोग फारसी ज़बान बोलते थे वो सब को फारिस था। आतिश परस्त लोग थे, आग की पूजा करते थे। मुशरिकीन इनको बहुत चाहते थे इस वास्ते कि वो भी मुशरिक थे, वो भी मुशरिक थे। मुसलमानों की ख्वाहिश ये होती थी कि रोम फतेह पाए, क्योंकि रोम वाले कम से कम अल्लाह की तौहीद के तो कायल हैं, इसलिए उनको ज़्यादा मुनासिबत इनसे थी, इनको ज़्यादा मुनासिबत उनसे थी। शिर्क वाले शिर्क वालों को पसंद करते थे, तौहीद वाले तौहीद वालों को पसंद करते थे। पहले तौहीद वालों को शिकस्त हुई और ईरान गालिब आ गया। कैसर को मुंह छुपाने की भी जगह नहीं थी, लेकिन उसने हिम्मत करके दूसरा हमला किया तो दूसरे मर्तबे के हमले में ईरान पाश पाश हो गया और शिकस्त खा गया और कैसर का गलबा हुआ। उसने मन्नत मानी थी कि अगर मैं जीत गया तो पैदल चलकर बैतुल मक़दिस की ज़ियारत करूँगा, इसलिए वो पैदल जाके ज़ियारत कर गया। उसको भी दावत दी गई थी, उसको मालूम था, उसने समझ लिया था, वह नुजूमी भी था, इल्मुन नुजूम यानी सितारों की गर्दिश के असरात उसके पता थे, बहुत बड़ा इल्म था। उस ज़माने में इसकी बड़ी अहमियत थी, ये उस इल्म का माहिर था। उसका एक दोस्त भी बहुत माहिर था। सब ने यह तय किया कि यह सच्ची दावत है, सच्चा नबी। बुलाया कोई अरब को लाओ तो अबू सुफियान को लाया गया।
11 सवाल किए, उन्होंने 11 सवाल के सही सही ठीक ठीक जवाब दिए, झूठ नहीं बोला। अबू सुफियान कहते हैं कि मेरे दिल में बहुत दफ़े आया कि झूठ बोल के इनका मामला ख़राब कर दूं, लेकिन फिर यही हुआ कि भाई ये साथ वाले लोग बोलेंगे कि मैंने झूठ बोला है तो मेरी इज्जत ही नहीं रहती, मैं एक सरदार हूँ, मेरी इज्जत चली गई तो कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाओ सच बोलना चाहिए। इसलिए हर सवाल का जवाब सच सच दिया, और कैसर ने हर सवाल के जवाब में अपना तबसरा ये किया कि इससे पता चलता है कि वो सच्चे नबी, इससे भी पता चलता है कि वो सच्चे हैं, इससे भी पता चलता है कि वो सच्चे हैं, हर एतबार से मान लिया। लेकिन जब अपने ख़ास लोगों से मशवरा किया तो उसके ख़ास लोग नाराज़ हो गए और बहुत खफा हुए कि आप दीन बदल देंगे, आप ईसाइयत छोड़ के इस्लाम इख्तियार करेंगे, तो सब नाराज़ होकर दरबार में से उठ के चले गए। लेकिन वो पहले से दरवाज़े बंद कर आगे रखा था, इसलिए कोई बाहर नहीं जा सका, तो फिर वापस बुला लिया और अब इसने यू टर्न लिया, कहने लगा कि आप लोग क्या मुझे इतना बेवकूफ़ समझते हैं कि मैं अरब के नबी की बात सुन लूँगा और ईमान ले आऊँगा, आप लोग ऐसा समझ रहे हैं? मैं तो ये देखना चाह रहा था कि तुम लोग कितने मजबूत हो, अब मुझे यकीन हो गया कि तुम नहीं फिसलने वाले हो, अब मैं तो होने वाला नहीं था। तो सब खुश हो गए और उसके आदाब बजा लाए और उसका एजाज किया। ये बहरहाल एक दुनियावी वजाहत के लिए, सिर्फ तख्त व ताज के लिए सब कुछ मान के भी मुसलमान थे और काफिर रहा, कुफर पे मरा, बाद में भी तौफीक नहीं हुई उसको। अगर वो मान लेता तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसको ये लिखा था, अस्लिम तस्लम युक्तिकल्लाहु अजरक मर्रतैन, अगर तू इस्लाम कबूल कर लेगा तो तेरी दुनिया भी महफूज रहेगी, तेरा तख्त व ताज भी महफूज रहेगा और अल्लाह तुझे डबल अजर देंगे, एक अजर अपने इस्लाम लाने का, दूसरे तुम्हारी वजह से जितने लोग मुल्क में इस्लाम लाएंगे डबल अजर अल्लाह तुमको देगा, मुसलमान हो जाओ, तख्त व ताज भी इसी से बचेगा। लेकिन नहीं माना, हुआ क्या, फिर सहाबे किराम ने ईरान भी फतेह कर लिया, रूम भी फतेह कर लिया, किसरा का ताज एक गरीब सहाबी के ठोकर में डाला गया, जो उस जमाने की सुपर एम्पायर थी, पूरी दुनिया जिससे डरती थी, उसके ताज को हजरत उमर ने जब फतेह होके माले गनीमत आया तो किसरा के ताज को, बादशाह ईरान के ताज को एक गरीब सहाबी के कदमों में डाल दिया। कोई वैल्यू मुसलमान के पास नहीं, मुसलमान तख्त व ताज के लिए जंग नहीं करता है, मुसलमान हुकूमत के लिए नहीं करता है, मुसलमान माल के लिए नहीं लड़ता है, मुसलमान तो सिर्फ इसलिए कि अल्लाह का नाम ऊंचा हो जाए और अल्लाह का दीन गालिब हो जाए, لَتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ اللہ کا کلمہ سر بلند ہو جائے، تاکہ اللہ کا قانون نافذ ہو جائے، تاکہ اللہ کی حکومت میں بندے زندگی گزارے اپنی خوشی سے، اس کے لیے مسلمان، مسلمان کو دنیا نہیں چاہیے، دنیا کتنی لے کے بھی چھوڑ کے جانا ہے کیا کریں گے اس کا، لیکن دین ساتھ جانے والا ہے، دین قبر میں کام آئے گا، دین حشر میں کام آئے گا، دین مغفرت کا سبب بنے گا، دین جہنم سے بچائے گا، دین جنت میں داخل کرے گا۔ تو مومن کی سب سے مرغوب چیز جو ہے، محبوب چیز جو ہے، وہ اپنا ایمان اور اپنے اللہ کا بھیجا ہوا دین، بس اس سے بڑی کوئی دولت ہمارے پاس، یہ سب سے بڑی دولت، اسی کے لیے جیتے، اسی کے لیے مرتے، اور یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ایمان کی سلامتی اور دین کی مضبوطی کے ساتھ آپ کو دنیا کتنی مل جائے، اللہ کا فضل ہے، کوئی بری بات نہیں۔ لیکن ایمان کے خطرے میں پڑنے
और दीन को छोड़ देने के साथ आपको सारी दुनिया की हुक्मरानी मिल जाए, सीमो जर मिल जाए, सोना चांदी मिल जाए, आप वर्ल्ड गवर्नर बन जाए, कुछ भी, कोई हैसियत नहीं है, एक मच्छर के पर के बराबर हैसियत नहीं, कोई वजन नहीं है अल्लाह की नज़र में उस बंदे का। तो ईमान की सलामती और दीन पर सबात और पुख्तगी और मजबूती, जिसकी सबसे ज़्यादा हमें फिक्र होनी चाहिए और जो हमारी ज़िंदगी में सबसे आखिरी दर्जे की चीज़ है। मौका मिल गया तो दीन पर अमल कर लो, नहीं तो कुछ भी नहीं, पहले दुनिया बनाओ, दुनिया दुरुस्त करो, दुनिया की फिक्र करो, इत्तेफाक से दीन पे भी चल लगे, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, दीन पे भी चलो भाई। और होना ये चाहिए था कि दीन को असल बनाते और अल्लाह की तौफीक से दुनिया भी मिल जाती, तो चलो अल्लाह की नेमत है, वो भी खुशी की बात है। तो इसका बिल्कुल उल्टा अब हमारे दौर में हो गया है, लेकिन सहाबा का ऐसा नहीं था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ऐसा नहीं था। हुजूर अलैहिस्सलाम के पास गनाएम आई, हुजूर अलैहिस्सलाम के पास बड़े बड़े इलाके फतेह होकर लाखों लाख एकड़ की ज़मीनें, बागात, खेतियां सब उनके कब्ज़े में आ गए, लेकिन आपकी सादगी की ज़िंदगी मुतासिर नहीं हुई, वैसे ही थे, वैसे ही रहे आखिर तक। वो मुसलमानों में बांट दी और मुसलमानों के मफादात के लिए उसका इस्तेमाल किया, क्योंकि उसके लिए तो लड़ा नहीं था ना, उसके लिए तो कुछ भी नहीं किया था हुजूर अलैहिस्सलाम, वो अल्लाह का फजल था, जो मिल गया मिल, ना मिले तो भी कुछ नहीं, और जान भी चली जाए तो कामयाब, हर हाल में कामयाब। तो ये जो हिजरत हुई है, ये इस्लाम की तारीख में सबसे अजीमुश्शान तारीख है। इस हिजरत के बाद जब नबी ने वतन छोड़ा और अल्लाह के खातिर बेवतन हुए, दुखी दिल के साथ हुए, जी ना चाहने के बावजूद, पहली वही के आने के बाद जब आपकी ज़ौजे मोहतरमा हज़रत खदीजा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपको लेकर अपने चचाजाद भाई वरका बिन नौफिल के पास गए, वरका ने हुजूर अलैहिस्सलाम से कुछ सुना, वो आलिम थे ईसाइयत के और नाबीना थे, बहुत बूढ़े थे, क्या हुआ भाई, हुजूर अलैहिस्सलाम ने बताया ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, जो कुछ गारे हिरा में हुआ था सब बताया। ये सुनकर उन्होंने आसमानी इल्म की रोशनी में ये इत्मीनान दिलाया कि वो जो आपके पास आया था वो फरिश्ता है, जो हज़रत मूसा के पास भी आता था वही लेके आता था, वही फरिश्ता है, और काश कि जब आप अपनी नबुव्वत का ऐलान करेंगे, अल्लाह हुक्म देगा और आप करेंगे, कुम फअंजिर, यहाँ से हुक्म मिला, खड़े हो जाइए, लोगों को डराना शुरू कीजिए, दूसरी वही से हुक्म मिला। तो जब भी आप अल्लाह की तरफ से दीन की दावत देंगे, काश कि मैं उस ज़माने में सेहतमंद होता, जवान होता, मजबूत होता और मैं आपका दस्त बाजू बन जाता, मगर बूढ़ा हूँ, नाबीना हूँ, पता नहीं उस वक़्त तक रहूँगा कि भी नहीं रहूँ। फिर उन्होंने कहा कि काश मैं उस वक्त में होता जब आपकी कौम आपको शहर बदर कर देगी, काश के मैं उस वक्त सेहतमंद और ताकतवर रहूं, मैं आपकी मदद करूं हिजरत। लेकिन हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला ना फरमाती हैं कि बस वो दूसरी वही और अहकाम के आने से पहले ही उनका इंतकाल हो गया, लेकिन उन्होंने हुजूर की तस्दीक कर दी थी और हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ देने की तमन्नाओं को इजहार किया था। मैं ये बता रहा हूं कि जब उन्होंने कहा था कि मैं उस वक़्त जवान होता जब लोग आपको शहर से निकाल देंगे, वतन से बेवतन करेंगे, तो हुजूर ने बड़े ताज्जुब के साथ पूछा, अवाम खरीजी यह हूँ, क्या लोग मुझे शहर से भी निकाल देंगे, ऐसा भी वक्त आएगा कि मैं बेवतन हो जाऊंगा,
ऐसा वक्त आएगा कि मुझे मक्का छोड़ देना पड़ेगा, दूसरी जगह जाकर रहना पड़ेगा। ताज्जुब से आपने पूछा। वरका ने पिछली किताबों की तालीमात की रोशनी में कहा कि हाँ, जिसको भी अल्लाह ये मर्तबा बुलंद अता फरमाते हैं उसके साथ कौम के लोग ऐसा ही करते हैं। चुनांचे हुजूर अलैहिस्सलाम को हिजरत करनी पड़ी। नबूवत के 10वें साल आपने हिजरत फरमाई। 10 साल तो मक्के ही में आप करते रहे, फिर 11वां साल, 12वां साल, 13वां साल। इस असना में हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से हिजरत का हुक्म सहाबा के लिए मिल गया। सहाबा ने पहले हबशा की हिजरत की, फिर उन्हें धोखा हो गया था कि गलबा इस्लाम हुआ तो वापस आ गए वो, फिर मदीने की तरफ भेजा गया तो मदीना चले गए और मदीना मरकज़ बन गया। जब सारे मुसलमान चले गए तब अल्लाह तबारक व तआला शानहु ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी हुक्म दिया कि आप भी अब हिजरत करके मदीना चले गए। तो 53 बरस की उम्र में यानी हिजरत के 13वें साल हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी हिजरत कर। हजरत अली, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रह गए थे, और चंद एक सहाबा जो किसी मसलहत से अपना इस्लाम छुपाए हुए थे, बाकी सब के सब हिजरत करके चले गए। मर्द हजरात सब, हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी हिजरत फरमाई। इस हिजरत के बाद अल्लाह ताला ने दुश्मनों से मुकाबला करने का हुक्म दिया। छोटी एक आध झड़प के बाद जो अजीम शान मारिका हुआ वो बदर का हुआ, हिजरत के 2 साल। बदर के मारके में 70 सरदारान कुरैश मकतूल हुए, जहन्नम रसीद। सारा नशा और सारा गुरूर टूटा मक्के वालों का। अल्लाह पाक ने एक एक को चुन के उसमें ख़त्म किया, लेकिन इस्लाम की अदावत और नबी की दुश्मनी ख़त्म नहीं हुई थी। तो सब ने मिलकर जो एक सरदार बच गया था अबू सुफियान, उसको अपना लीडर बना लिया, और इसके बाद की सब जगह एक आध को छोड़कर अबू सुफियान की कमान में लड़ी गई मक्के वालों की तरफ से। फिर उहद का मारिका पेश आया। उहद के मारके में मुसलमानों का बहुत बड़ा नुकसान, 70 सरदार वहां मारे गए थे, 70 सहाबा उहद में मारे शहीद हुए, जन्नत रसीद हुए। इसमें भी अल्लाह की बड़ी हिकमत थी, और बार बार ये ख्याल करते थे कि जब 313 थे तो बड़े बड़े सरदारों को ख़त्म करके आए थे, अब तो हम बहुत बड़ी तादाद में हैं, ये ख्याल आया था। अल्लाह ताला ने हुनैन के मौके पर इस उजब को पकड़ा और फरमाया वयौम हुनैन इज अअजबतकुम कसरतुकुम फलम तुग्नि अनकुम शैआ वज़ाक़त अलैकुमुल अर्ज़ु बिमा रहबत थुम्मा वल्लैतुम मुदबिरीन। तुम समझे थे कि अब तो हम बड़ी तादाद में हैं, जब छोटी तादाद में गालिब होकर आए थे तो बड़ी तादाद में मगलूब होने का कोई सवाल नहीं है, ये ख्याल तुमको आ गया था, और थोड़ी देर के लिए जहन से अल्लाह ताला की मोहताजी हटी, क्यों असबाब पर नज़र चली गई थी, तो हमने तुम्हारी तरबियत ज़रूरी समझा इस वास्ते कि तुम ही क़यामत तक के मुसलमानों का नमूना हो, इसलिए हमने तुमको शिकस्त दी। लम तुग्नि अनकुम शैआ, कुछ भी काम नहीं आया तुमको, तुम्हारा मुसल्ला होना काम नहीं आया, तुम्हारी तादाद काम नहीं आई, तुम्हारी ताकत काम नहीं आई, कुछ काम नहीं आया, भागना पड़ा तुमको, जमीन हमने अपनी वसतों के बावजूद तुम्हारे लिए तंग कर दी। ये सहाबा से फरमा रहे अल्लाह ताला, तो अल्लाह तो बेनियाज है।
अल्लाह ताला चाहते हैं कि बंदे बंदगी के साथ आगे बढ़ें तो हर मदद उनके कदम चूमेगी, लेकिन बंदों में जहाँ खुदाई आएगी और गुरूर आएगा और किब्र आएगा, वहाँ से अल्लाह की मददें हाथ उठा लेंगी और कोई पूछने वाला नहीं। आज हम यही करते हैं ना, तो इसलिए नाकाम होते रहते। फिर खंदक का पेश आया मारे का, और फिर मारे के आते ही रहे पेश। एक दिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब देखा कि मैं उमरा कर रहा हूँ। जब से हिजरत करके आए थे फिर गए नहीं थे मक्के मुकर्रमा। जब सहाबा ने सुना तो सब सहाबा ने एक आवाज़ कहा, या रसूलल्लाह इरादा फरमाइए हम सब लोग भी आपके साथ चल के उमरा करते, बहुत दिन हो गया मक्का छोड़ के। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा कर लिया और सहाबा की एक बड़ी तादाद साथ में हो गई। 10,000 सहाबा को लेकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उमरे के लिए तशरीफ ले गए, मगर मक्के वालों ने हुदैबिया में रोक कर मना कर दिया कि हम आपको नहीं आने देंगे मक्के में। वहीं पर क़ियाम किया, पड़ाव डाला, और फिर उसके बाद सिफारतें होती रहीं, बातचीत होती रही, बातचीत होती रही, उधर से लोग आते रहे, इधर से जाते रहे। आखिर में ये तय पाया कि इस साल तो चले जाएं, अगले साल 3 दिन के लिए आ सकते हैं और उमरा करके चले जाएं, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं। फिर ऐसा ही हुआ। इसमें भी बड़ी शिकस्त हुई, बड़ी तंगी महसूस हुई। इसमें एक बात ये तय पाई कि 10 बरस तक जंग बंदी रहेगी, ना मक्का वाले मदीने वालों से लड़ेंगे, यानी ना मुशरिकीन मुसलमानों से लड़ेंगे, ना मुसलमान मुशरिकीन पे कोई हमला। ये 10 बरस के लिए मुआहदा तय पाया, मगर इस 10 बरस में 3 बरस भी नहीं गुजरने पाए कि मुआहदा मुशरिकीन ने तोड़ दिया। उन्होंने गदर किया, खिलाफ वर्जी की। फिर उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके मुकाबले के लिए तशरीफ ले गए, और मुकाबला तो कुछ भी नहीं हुआ, मक्के मुकर्रमा फतह हो गया और सबको सरेंडर हो जाना पड़ा। जो मुसलमान होना चाहते थे वो मुसलमान होके इस्लाम में दाखिल हो गए, और जिनका गुरूर अब भी नहीं टूटा था वो मुल्क छोड़ के भागने पे मजबूर हो। इस तरह मक्के मुकर्रमा फतह हुआ। और फिर उस वक्त जहाँ जहाँ तक इस्लाम फैलाया जा सका फैलाया गया। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में आधी इंसानी दुनिया पर सिर्फ इस्लाम की हुकूमत आई, सिर्फ इस्लाम का सिक्का चला। तो यूँ अल्लाह तबारक व तआला शानहु ने हिजरत को बुनियादी सबब बनाया, मददों का, अल्लाह की मददों का सबब। इसलिए इस्लामिक हिस्ट्री का अहम बाब जो है, अहम चैप्टर है, वो हिजरत। तो ये तय पाया कि इस्लामिक कैलेंडर जो बनाया जाएगा वो हिजरत की बुनियाद पे बनाया जाए। तो ये तय हुआ कि जिस साल हुजूर अलैहिस्सलाम ने हिजरत की वहाँ से हमारी तारीख शुरू की। फिर महीना कौन सा हो, तो बाज़ लोगों ने कहा कि रबीउल अव्वल से शुरू किया जाए कि रबीउल अव्वल में हिजरत की थी आपने, पैदा भी रबीउल अव्वल में हुए थे, तो रबीउल अव्वल के महीने से। मगर ये बात आई कि रबीउल अव्वल के महीने से नहीं, बल्कि साल शुरू होता है मुहर्रम से, तो उस साल के मुहर्रम से ही तारीख बनाई जाए। और हिजरत की तैयारी मुहर्रम से शुरू हो गई थी, इसलिए वहीं से लिया जाए। चुनाचे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिजरत का साल पहला इस्लामी साल करार पाया,
और उस साल के मुहर्रम की पहली तारीख को पहली तारीख कैलेंडर की करार। इस तरह हमारी जंतरी, हमारा कैलेंडर, इसकी तारीख ये है, यूं शुरू हुई। तो वो हुजूर अलैहिस्सलाम का जो हिजरत वाला साल था उसको अब 1442 साल मुकम्मल हो गए। ये जो मुहर्रम की आज 3 तारीख है ये 1443वां साल शुरू हुआ है हिजरत से। ये तारीख हमें अपने सामने रखना चाहिए और इसको अपनी खानगी जिंदगियों में इसी को इस्तेमाल करना चाहिए। घर का हिसाब किताब, आमदनी, खर्चा वगैरह, बहरहाल कहीं ना कहीं तो हम इसको अपने पास रखें। इसको जिंदा रखना फ़र्ज़ किफ़ाया है, मुसलमानों के ज़िम्मे है कि वह अपनी जंतरी की हिफाजत करें। और भाई अब दुनिया भर में इस्तेमाल होता है ईसवी कैलेंडर, मीलादी कैलेंडर, वो जिसका अब 2021 चल रहा है, वो तो सारी दुनिया और दफातर में, ऑफिसों में, कारोबार में, लेन देन में वही चलता है। तो उसका इस्तेमाल करना नाजायज़ नहीं है, हम उसको इस्तेमाल करें, लेकिन जहाँ जहाँ तक हमारी अपनी चल सकती हो वहाँ वहाँ तो उसको ज़िंदा और बाकी रखें। ताजिर लोग हैं, उनके कंपनी में, उनके फर्म में, कारखाने में, दुकान में जो लोग काम करते हैं उनको आप बता दें कि भाई तनख्वाहें मुहर्रम सफ़र के हिसाब से मिलेंगी। इसमें आपको सवाब मिलेगा अगर आप इसलिए करेंगे कि ये इस्लामिक कैलेंडर है और मैं उसकी हिफाजत का ये रास्ता इख्तियार कर रहा हूँ कि ये महफूज रहे और हमें मालूम भी रहे कि आज क्या तारीख है। दोनों तारीखें मालूम रखिए, भी तारीख क्या है भाई, अगस्त की क्या तारीख है और मुहर्रम की क्या तारीख है, सब हमें मालूम रखना चाहिए क्योंकि हमारे दीनी निज़ाम इससे जुड़े हुए। औरत इद्दत गुजारती है तो चांद के महीनों से 4 महीने 10 दिन और 3 महीने 10 दिन उसको शुमार करना होगा, चांद के महीनों से, यानी इस्लामी जंतरी के हिसाब से उसको शुमार करना होगा। कफ़ारे के 2 महीने रोज़े रखना पड़ता है बाज़ सूरतों में, तो वो चांद के एतबार से रखे जाएंगे। हज चांद के एतबार से होगा, रमज़ान चांद के एतबार से शुरू होगा और चांद के एतबार से ख़त्म होगा। इसलिए सारा हमारा सिस्टम जो है वो इस्लामिक कैलेंडर से जुड़ा हुआ है जिसको हम हिजरी तारीख कहते हैं। हिजरत से वाबस्ता है इसलिए हिजरी तारीख। और वह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से वाबस्ता है, तो अरब लोग उसको मीलादी कहते हैं, हम लोग ईसवी कहते हैं। तो दोनों इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करने में कुछ भी नहीं क्योंकि अल्लाह ने हिसाब दोनों से बनाया है। कुरान में फरमाया गया वश्शम्सु तजरी लि मुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम वल्क़मरा क़द्दरनाहु मनाज़िला لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ। तो सूरज को भी अल्लाह ने रखा इसके लिए, चांद, नमाज के अवकात वो सूरज के साथ जुड़े हुए हैं और रोज़े चांद के साथ जोड़े गए हैं। तो इस्तेमाल सूरज का भी है, इस्तेमाल चांद का भी है। अल्लाह ने चांद भी हमारी ज़रूरत के लिए बनाया है और सूरज भी हमारी ज़रूरत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया है। तो मेरे अजीज़ो दोस्तों, अब हमारा अपने कैलेंडर के एतबार से 1443वां बरस आगाज़ हुआ है। इस हफ्ते में 3 दिन, तीसरा दिन हो गया आगाज़ हो करके। तो जब भी साल पूरा होता है तो हिसाब किया जाता है, गवर्नमेंट ने अप्रैल से लेकर मार्च तक हिसाब रखा है।
जितने भी व्यापारी कारोबारी और जितने भी जो है इनकम टैक्स से वाबस्ता हैं उन सबको मार्च के अख्तिताम पर अपना पूरा हिसाब पेश करना पड़ता है, गवर्नमेंट को दिखाना पड़ता है। तो जैसा वो मालियाती साल कहलाता है तो हिसाब होता है साल के ख़त्म पर, और तभी ताजिर देख लेता है कि मेरा फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, मैंने कारोबार में तरक्की की है या जवाल हुआ है, मैंने कमाया है नुकसान किया है, मेरा कैपिटल सेफ है या मैं असल में से खा गया हूँ, ये सब उसके सामने आता है। इसी तरीके से जब हमारा साल मुकम्मल हो जाए तो हमको चाहिए कि हमने गुज़िश्ता साल का एक जायज़ा हिसाब लो। 1442 के मुहर्रम से लेकर 1442 के ज़िलहज तक 12 महीनों का एक साल कंप्लीट किया है, ये एक दौरानिया है 12 महीनों का। हमने इसमें क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, हमने इसमें कितना अल्लाह को खुश किया, कितना नाराज़ किया, हमने इसमें अपने नबी के दीन को किस कदर ज़िंदा किया और कितना दीन मिटाया, हमने अपनी आखिरत कितनी बनाई और कितनी गंवाई। हम जायज़ा लें, हिसाब लें, क्योंकि जो शख्स हिसाब किताब अपडेट रखता है वो ज़्यादा नुकसान में कभी नहीं जाता। हमारी ज़िंदगी का हिसाब किताब अपडेट रहेगा, हम ज़्यादा नुकसान में नहीं रहेंगे। साल के दौरान में कभी भी मरेंगे तो अगर 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 फ़र्ज करो कुछ हमारे ज़िम्मे मामलात रह भी गए तो भी ज़्यादा नहीं रहेंगे, इसलिए कि उसके पहले वाले साल के ख़त्म पर हमने सब क्लियर कर लिया था अपना मामला, हुकूकुल इबाद भी साफ़ कर लिए थे, हुकूकुल्लाह भी साफ़ कर लिए, सब क्लियर कर लिया था। अब ये नए साल में कुछ बाकी रह गया, वैसे तो हमें रोज़ का रोज़ हिसाब कर लेना चाहिए, तो एक दिन भी ऐसा नहीं होगा जिस दिन मौत आएगी हमारा हिसाब क्लियर रहेगा, अल्लाह के सामने बिल्कुल खड़े हो सकेंगे आसानी से, और अल्लाह रहम करम का मामला फरमाएगा। रोज़ का रोज़ हिसाब करें, मगर सालाना तो ज़रूर करें। फिर नया साल नए अज़ायम से, नए जज्बात से, नए इरादों से शुरू करें। नया साल शुरू करते हैं बेईमान लोग, ख़ास तौर से क्रिश्चन, पूरी दुनिया में जब 1 जनवरी होती है तो बकौल एक बुज़ुर्ग के जनवरी क्या होती है, जानवरी होती है, सारे इंसान जानवर बन जाते हैं। 1 जनवरी को सब जानवर बन जाते हैं। हर वो बेहयाई करते हैं जिसको कोई इस्लाम तो इस्लाम इंसानी शराफत भी कबूल नहीं कर सकता, वो सब कुछ होता है, गोया इंसान जानवर बन जाते हैं 1 जनवरी। तो एक बुज़ुर्ग ने फरमाया भाई उनका साल ही जनवरी से शुरू होता है तो वो जानवर रहें ज़िंदगी भर, हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हमारा साल तो मुहर्रमुल हराम से शुरू, निहायत अजमत और एहतराम, हमारा साल अल्लाह के महीने से शुरू होता है। एक शख्स ने, एक सहाबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सबसे बेहतरीन नफिल रोज़ा रखने का मौसम कौन सा है, सबसे बेहतर वक्त कौन सा है नफिल रोज़े रखने के लिए, तो आपने फरमाया शहरुल्लाहिल मुहर्रम, अल्लाह का महीना मुहर्रम, और हमें अपनी अकलों पर मातम करना चाहिए, अपनी समझ पर, अपनी नादानी पर अफसोस करना चाहिए, रोना चाहिए, तौबा करना चाहिए कि जिस महीने का नाम शहरुल्लाह है उस महीने को मनहूस समझते हैं। अभी तक दिमागों से नहीं निकले ये जरासीम, शिरकिया कुफरिया जरासीम हमारे जहनों से। आपके सामने अगर कोई बैतुल्लाह को नऊज़ु बिल्लाह मनहूस कहे तो आप बर्दाश्त करेंगे, क्यों, अल्लाह तो नहीं रहता उसमें, लेकिन अल्लाह से निस्बत है, बैतुल्लाह अल्लाह का घर, इस निस्बत की वजह से एहतराम आपके कल्ब में है उसका, और आप उसकी तोहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन आप खुद जब एक महीने को शहरुल्लाह कहा जा रहा है, अल्लाह का महीना, इसके बावजूद इस महीने को मनहूस समझकर सारे अच्छे काम छोड़ देते,
क्योंकि वो औरतें नहीं मानती, तो अगर अपना मतलब हो तो औरतों से सब मनवा लेते हैं। जब अल्लाह रसूल के दीन की बात आती है तो औरतों के सर डालकर वही बुराइयां और बेईमानियां चलाते रहते हैं। ये कैसा है? जानबूझ के मुहर्रम में शादियां कीजिए, जानबूझ के मुहर्रम में अकीका कीजिए, जानबूझ के मुहर्रम में कारोबार का आगाज कीजिए, जानबूझ कर दिखा कर बता कर कीजिए कि हम मुहर्रम में कर रहे हैं। क्योंकि ये शहरुल्लाह है, जो महीना अल्लाह से मंसूब है उससे ज़्यादा बाबरकत कोई महीना नहीं हो सकता, ये बरकत वाला महीना। और जो जाहिली ख्यालात चले आ रहे हैं इसे ख़त्म करो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज्जतुल वदा में फरमाया, मैंने जाहिलियत के रसूम को अपने पैरों तले दबा दिए, रौन डाला है मैंने जाहिलियत के ख्यालात को। लेकिन हम फिर उन्हीं ख्यालात को लेके चल रहे हैं और जी रहे हैं जिसको हुजूर अलैहिस्सलाम ने पैरों के नीचे रौन दिया था। तो ये महीना एहतराम का महीना, इसका नाम ही एहतराम, और इसमें अल्लाह ने बड़ी बरकत रखी। तभी हुजूर से पूछा गया, नफिल रोज़े कब रखना ज़्यादा मुनासिब है? तो फरमाया, अल्लाह के महीने में रखो, अल्लाह का महीना मुहर्रम। और मैंने गुज़िश्ता जुमे में बताया था, किसी भी वक्त की फजीलत, किसी महीने की फजीलत, किसी जगह की फजीलत, ये कोई इंसान नहीं बता सकता, ये सिर्फ नबी बता सकता। इसलिए बाद के वाकयात से किसी चीज़ के अच्छे बुरे होने का कोई ताल्लुक नहीं। लोगों ने सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के वाकये की वजह से मुहर्रम को मनहूस महीना समझ लिया। अब फिर मैंने ये बात भी बताई कि अचलो शहादत से भी इसको जोड़ा जाए, तब भी शहादत इस्लाम में वो अजीम शान मौत है कि उससे अच्छी मौत का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। तो अगर नवासे रसूल को ये शरफ हासिल हुआ था तो इस महीने में और बरकत हासिल, इस महीने में और बरकत हासिल। छोड़ो रवाफिज और शिया को, अगर उनकी अक्ल उन्हें उल्टा सिखाती है तो उनको ऐसे ही सीखने दो, समझने दो। आप सुन्नी हो, आपको अकल आपको सही रास्ता दिखाना चाहिए, आपको सीधा सिखाना चाहिए आपकी अकल आप। इसलिए अपनी अकल से भी सोचो। तो जिस महीने में नवासे रसूल को शरफ शहादत नसीब हुआ है और फजीलत का और बरकत की निस्बत इससे हो गई, लेकिन बरकतों का ताल्लुक किसी वाकये से नहीं है, बरकतों का ताल्लुक नबी की खबर से। नबी ने खबर दी है कि यह शहरुल्लाह अल्लाह का महीना है, अल्लाह की तरफ मंसूब महीना है, इसलिए इसकी इज्जत करो, इसका एहतराम करो, इसमें अल्लाह की ख़ास इनायतों से फ़ायदा उठाओ, रहमत और बरकत से महरूम मत हो जाओ। जाहिलाना अकीदों ने हमें महरूम कर दिया मुहर्रम में अच्छे अच्छे काम करने से, और मुहर्रम में जो अल्लाह अपनी रहमतें उतारता है उससे। शियों की देखा देखी, वो रोते फिर रहे हैं काले कपड़े पहन के, तो हम भी जो है समझ रहे हैं हमें अपना इल्म ही नहीं, हमें अपना दीन ही नहीं मालूम। इसलिए मैंने यह आयत पढ़ी थी, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन तो लोगों अल्लाह के पास वो है जो नबी ने पहुंचाया है। और वमन यबतगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक्बल मिन, अगर कोई इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरे तौर तरीक़े इख्तियार करता है तो अल्लाह कबूल नहीं करेंगे। वहुआ फिल आखिरत मिनल खासिरीन, वो आखिरत में घाटे वालों में होगा, फ़ायदे वालों में। तो अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम रवाफिस से मुतासिर होकर जो रसूम अपने घरों में लाए हैं इन शीई रसूमात से दस्तबरदार हो जाएं, और सुन्नी अकीदे के मुताबिक अपने अपने आमाल करें, अपने घरों का माहौल बनाएं और उसके मुताबिक हम काम करें, ताकि अल्लाह हमसे नाराज़ ना हो और अल्लाह के नबी हमसे खफा ना हो। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।